ये रहा, ये फट गया, हाई वोल्टेज में है, और ये जो बल्ब है ना PS2 ऑटो के साथ, ये जल ही नहीं रहा है। नेपाल में जबकि अभी चाइना का मार्केट पे है, तब भी हम इंडिया से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, क्योंकि सर इन रॉ मटेरियल में एकदम क्वालिटी अच्छी है। अभी देख लो भगवती में ऑटोकट सिस्टम है, जैसे कि अब वोल्टेज कम हो गए या ज्यादा हो गए, मेन समस्या ही हमारे बल्ब खराब होते हैं वोल्टेज के कारण ही होते, आपको पता ही होगा। तो हमारा ये अभी भगवती का जो बल्ब है ये ऑटोकट हो रहा है, जब ऑटोकट हो जाएगा कम लो वोल्टेज में और हाई वोल्टेज में, तो बल्ब खराब होने की चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। सभी को नमस्कार, ये नेपाल से क्लाइंट आए हुए हैं और ये सैंपल भी लेके आए हैं टेस्ट करने के लिए। अभी हम लाइव चेक करेंगे, क्योंकि दोस्तों लाइव टेस्टिंग करके दिखाना हमें भी अच्छा लगता है और आप लोगों को देखना भी अच्छा लगता है। ये जो बल्ब है ये नेपाल में बहुत तेजी से बिकते हैं, आप कह रहे थे। नमस्कार सभी को, पहले तो मैं सभी को ग्रीटिंग करता हूँ। ये अभी मैं नेपाल से आया हूँ, तो अभी मैं कुछ ब्रांड लेके आया था नेपाल में जो बिकते हैं सस्ते रेटों में, अच्छी क्वालिटी बोल के बिकते हैं, वो बल्ब लेके आया हूँ। तो अभी ये एजिंग मशीन, अभी मैं भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री में आया हूँ, ये एजिंग मशीन से ये सारे बल्बों की लाइफ चेक करने के लिए। तो अभी ये हिमस्टार है नेपाल का, वन ऑफ द परफेक्ट ब्रांड, अभी इसको हम लगा रहे हैं। तो और अभी ये चल रहा है हमारे 122 वोल्ट। नहीं नहीं, अभी वो हम बाद में चेक करेंगे लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। और फिर अगला है, अगला है ये कोरोना, कोरोना ये इंडिया का है, अच्छा है ये भी, अच्छा है हमारे वहाँ पे, अच्छा चल रहा है इसका भी, अभी मार्केट ठीक है। अगला जो है ये है BLI गामा DOB बहुत लाइट इंडस्ट्री, ये नेपाल का दीबा ब्रांड, दिव्या कंपनी का है, अच्छा है ये भी। ये PS2 और ये है GV LED जिसको अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ 3 सालों से, मार्केट फीडबैक अच्छा है इसका। GV LED मेड इन कंचनपुर नेपाल, तो अभी इसको भी हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सारे बल्ब हमने लगा दिए बोर्ड पे और अभी वोल्टेज हम लो करते हैं। एक काम कीजिए, आप लो कीजिए, ठीक है, आप देखते हैं मिनिमम वोल्टेज कितना है इसका। और आउट डाउन करते हैं, आउट डाउन करते हैं, तो लगभग 40 में लगभग सब बंद हो गए हैं लगभग। अब देखते हैं, बढ़ाते हैं, रुक जाइए, लगभग 60 वोल्ट में आपका दीपा, ठीक है। और फिर कौन सा ये स्टार GV LED बल्कि ग्लो हो रही है, बाकी यहाँ पे बढ़ाऊं सर? हाँ दे, बढ़ाइए। और 80 वोल्ट में चेक करते, लगभग 80 वोल्ट में लगभग सभी ग्लो हो गए हैं हल्के हल्के। बाकी ये जो है जो GammaDO भी है, हाँ GammaDO हम कहते हैं सर 100 वोल्ट से ये स्टार्ट होता है अच्छे से वर्क करना, तो अभी क्या 100 वोल्ट लेके चलते हैं। अभी 100 वोल्ट में लगभग सभी की रोशनी दिखने में मतलब अच्छी लग रहा है यहाँ पे सभी देखने में। okay. अब हम लेके चलते हैं इसको 150 पे, 150 सही है। अब धीरे धीरे नॉर्मल वोल्टेज पे कहते हैं 220 पे, मतलब ये नॉर्मल वोल्टेज आता है 220। आप अगर बढ़ाना है तो फिर आप जितना कहोगे हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आप कितना लेके चलते हैं? हम लोग 280 पे लेके चलते हैं, ठीक है, थोड़ा साइड हो जाइएगा क्योंकि कुछ कुछ यहाँ पे DOBs हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन सा DOB और कौन कौन सा ड्राइवर बेस है, ठीक है। 300 वोल्ट में भी ये वर्क कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं कहाँ, 350 पे, 350 वोल्ट पे भी मतलब ये वर्क कर रहा है। आप कितना लेके जाना है बताइए, 400 या फिर 450 डायरेक्ट? कोई फटेंगे तो नहीं? फटेंगे क्योंकि इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं और कैपेसिटर फटते हैं, इससे हमें कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। नहीं नहीं, आप साइड हो जाएंगे, ठीक है, साइड होने क्या होगा, जैसे कि अगर कोई कैपेसिटर फटा तो हो सके डिफ्यूजर बाहर आ जाए, ठीक है। तो हम कोई नहीं नहीं कोई नहीं आराम से धीरे धीरे बढ़ाते हैं,
नहीं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उतना भी डरना नहीं है, उतना भी डरना नहीं है, आराम से हम धीरे धीरे 380 पे लेके जाइए, 380 देख लीजिए, रुक जाइए रुक जाइए, रुकते यहाँ पे, ये मतलब 380 पे एक कट हो गया, ये PS2 बल्ब है, ठीक है, PS2 जो हम कहते हैं, ठीक है, 380 के आसपास एक कट हो जाता है, हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं और आप लेके जाइए इसको, ये रहा, ये फट गया, ठीक है, नहीं नहीं अभी और बढ़ाते हैं, और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए, टेस्टिंग चल रही है अभी, लाइव टेस्टिंग चल रही है अभी, रोकना ही नहीं है हमें, ठीक है, कितना हो गया, 426 वोल्ट, अब इसको 440 की चाहिए, फटने के बाद भी जल रहे है क्यों, हाँ कोई नहीं कोई नहीं, अच्छी क्वालिटी है शायद, 440 रुक जाइए अब, ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 और ये फटने के बाद भी ये भी लीकेज हो गया, ये ठीक है, हाँ ये साउंड कर रहा है, इसमें एक में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उस हल्का सा हमिंग कर रहा होगा वो, ठीक है, अगर और बढ़ाना है तो और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गामा डीओ भी लगा हुआ है, ड्रापर बेस भी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन 440 से ऊपर कहीं वोल्टेज नहीं आता है, 11,000 का भी आ गया गाँव देहात में तो बात अलग है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी है सबकी, क्वालिटी ठीक है, अब डाउन कर लीजिए, क्योंकि वही है कभी कभी वोल्टेज ऐसे है ना, मतलब एक मिनट के लिए भी अगर आपके अगर हाई वोल्टेज आता है ना, एक सेकंड के लिए भी, तो काफी सारी चीजें मतलब खराब हो जाती हैं, ठीक है, अब हम और इसको डाउन कीजिए, डाउन 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 पूरा डाउन करते हैं, कितने तक, 60 to 80 volt पे ले जाते हैं, ठीक है, अभी तो हमने हाई वोल्टेज लो वोल्टेज चेक कर लिया जी। इसमें ठीक है जी। कि हाई पे काम कर रहा है, लो पे काम कितना, हाई पे कितना जा रहा है, अभी अगर आपको और चेक करना कि मतलब कितना पीस के एलईडी फ्यूज होगा, अभी हाई में हमारा 1 GB का चल रहा है, BS2 चल रहा है ऑटो कट में, और वो कोरोना ब्रांड है, ये कोरोना ब्रांड है, ये वाला, ये वाला, अच्छा ये तो आपका इंस्टार का कैपेसिटर फटा है, बाकी ये भी चल रहा था, ठीक है, ये भी चल रहा है, बाकी अगला जो है ये दीबा, इसका भी थोड़ा लीकेज हो गया, देख ले लीकेज हो गया इसका फिल्टर इसका, लेकिन फिर भी ये चल रहा है, अंदर से धुआं धुआं आएगा, इसका डिफ्यूजर मतलब बाहर नहीं आया, लेकिन उसका इसका डिफ्यूजर कहाँ चला गया, ये अच्छी रहा, ये निकलने वाला था, तो सर ये कैपेसिटर फटने के बाद ही चलते रहे, हाँ अच्छा, तो कुछ कुछ ऐसे बल्ब होते हैं जैसे कि अगर फट गया फिर हम अगर हाई वोल्टेज कुछ लेके जाते हैं तो क्या होता है, उसका एलईडी फ्यूज होता है, ठीक है, उसका एलईडी फ्यूज आएगा, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम लाइव चेक कर लिए हैं, जैसे ये भी ये जो है कैपेसिटर फट गया लेकिन फिर भी चल रहा है, ये भी बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आया, GB LED में कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है, GB LED में कोई दिक्कत नहीं आया, बाकी ये कौन सा है, कोरोना, ये कोरोना है, ये भी चल रहा था 7 वाट में, ये बाकी ये PS2 और ये गामा डीओ भी, ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं, ओपन कर दिखा देते हैं इसको, ये गामा डीओ भी है, BLI, ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं, इसमें मतलब सेटिंग कर देते हैं लो और हाई का, ठीक है, ऑन ऑफ दूसरे से आप चेक कर सकते हो इसमें सेटिंग के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे टाइम सेटिंग करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, कितना सेकंड का आप इसमें गैप रखोगे, जैसे यहाँ पे हम रखते हैं 7 सेकंड और इधर 7 सेकंड का, ठीक है, तब क्या होगा, ये 7 सेकंड के बाद लो और 7 सेकंड के बाद हाई, ये अपने आप ऑन ऑफ लो हाई करता रहेगा, और यहाँ पे कितनी बार करना है यहाँ पे सेट कर सकते हो आप, ठीक है, 3 सेकंड में करो ना सर, 3 सेकंड कर लीजिए, या फिर आपको जैसे कि वो बोलते हैं ना फ्लिकरिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो एक सेकंड में कर लीजिए, या फिर ऑन ऑफ लो आई होता रहेगा वो, अब जैसे कि इसका फट गया, क्या चीज़ कैपेसिटर फट गया, ठीक है, इसको आप चेंज कर दोगे तो फिर से ओके हो गया, ठीक है, तो यहाँ तक क्या है ना, कभी भी कोई भी बल्ब अगर आप चेक करते हो ना, कोई बल्ब अगर चेक करते हो तो उसको इस तरह से चेक करते हैं, इसको बोलते हैं नागिनडान, ठीक है, क्योंकि ना लो आई और ऑन ऑफ चेक करना बहुत जरूरी है, तो बहुत सारे बल्ब ऐसे होते हैं ना जो कि आप इस तरह चेक करोगे तो जलेगा ही नहीं, ठीक है,
फिर यहाँ पे सेटिंग करने के बाद इसको इस तरह से हम चेक करेंगे। ये तो आपका PS2 है, ठीक है, 9 वाट ड्राइवर में, ये ड्राइवर बेस में है, और ये गामा DOB और कोरोना ब्रांड ये ड्राइवर में है। डीबा ये आपका कैपेसिटर फट गया है, ये आपका DOB में है, ये भी आपका हिमस्टार DOB में, और ये ड्राइवर बेस में आपका GB LED। अभी हमने वोल्टेज रखा कितना, 3870 के आसपास, ठीक है। ये आपको ऑटो कट हो गया जो HP ड्राइवर है, बहुत राइट इंडस्ट्री का, ठीक है, NSR 11। तो अब क्या हो रहा है, हम इसमें टाइम सेट करते हैं, इसको देख लीजिए, हाई वोल्टेज में है, और ये जो बल्ब है ना PS2 ऑटो के साथ, ये जल ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर हाई वोल्टेज आ जाए फिटरिंग करे इस तरह से तो भी ये जलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी हाई वोल्टेज में है। तो अब क्या है, हम क्या करते हैं, वोल्टेज डाउन करते हैं, ठीक है, हम करते हैं वोल्टेज डाउन, आप जलाइए, ठीक है, ये आप जला, फिर से हम हाई कर देंगे तो फिर ये नहीं जलेगा। ये तो कैसा लगा, मतलब टेस्टिंग करके एकदम बढ़िया लगा सर, अभी बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है इसकी लाइफ देख के, कुल मिला के लाइफ अच्छी है, इन बल्बों की, सारे बल्बों की लाइफ अच्छी है, सबका ठीक ठीक है, फीडबैक अच्छा निकला, एकदम अच्छे है, अपनी अपनी जगह, GB LED का भी सही है। नहीं नहीं, और आप कहते हैं जैसे अभी सेटअप अभी तैयार नहीं हुआ है, नीचे अभी सेटअप तैयार हो रहा है धीरे धीरे, बाकी फिर हम जब भी वीडियो लेके आएंगे ना तो हम अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे, लाइव टेस्टिंग करेंगे, और जो भी कस्टमर आते हैं वो कैंडिडेट आ रहे हैं, और जो कोई डाउट है ना कि सर मेरे यहाँ ये बल्ब चल रहा है, इसको मेरे को चेक कराना है, टेस्ट कराना है, तो आप लेके आ सकते हो, ठीक है। लाइफ में चेक करा के GB LED का अभी हम ले जा रहे हैं, ये भगवती कंपनी से जो ब्रांडेड माल हम ले जाएंगे, ब्रांडेड ग्राहकों को हम देंगे, अपने ग्राहकों को सही माल देंगे, ये GB LED का माल यहाँ इस कंपनी में बन रहा है, ये यूपी जो हम भगवती में ही लाइव करवा रहे हैं, जिस कंपनी में ये से माल ले जा रहे हैं उसी कंपनी में हम लाइव करवा रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग नेपाल से आए, आपसे देखिए, हम अपने ग्राहकों को अच्छा माल देना चाहते हैं, हाँ सही है, अच्छा गुणवत्ता देना चाहते हैं हम किसी भी ग्राहक को, हम अपनी स्पेशली सर हम लोग नेपाल से आए हैं, अभी नेपाल में जबकि अभी चाइना का मार्केट भी है, तब भी हम इंडिया से रॉ मेटेरियल ले रहे हैं, क्योंकि सर इन रॉ मेटेरियल में एकदम क्वालिटी अच्छी है। अभी देख लो भगवती में ऑटोकट सिस्टम है, जैसे कि अब वोल्टेज कम हो गए या ज्यादा हो गए, मेन समस्या हमारे बल्ब खराब होते हैं वोल्टेज के कारण ही होते, आपको पता ही होगा, तो हमारा ये अभी भगवती का जो बल्ब है ये ऑटोकट हो रहा है, जब ऑटोकट हो जाएगा कम लो वोल्टेज में और हाई वोल्टेज में तो बल्ब खराब होने की चांसेस बहुत कम रह जाएंगे ना, बहुत से बहुत कम। तो अभी भी हम अभी इतने दूर से हम नेपाल से यहाँ पे भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री में ये BS2 का ऑटोकट ड्राइवर वाला बल्ब, PS2 और BS2 का ये ऑटोकट ड्राइवर वाला बल्ब ले जा रहे हैं अभी, तो सभी को हम बोल अभी हम सभी को क्या बताते हैं कि अभी स्टार्टिंग में क्वालिटी में ध्यान देंगे, अगर हम कस्टमर है, आप भी कस्टमर ही होंगे, आप वीडियो देख रहे हो जो भी कस्टमर हो, तो अभी हमें प्रॉफिट मार्जिन से भी ज़्यादा फोकस ना अभी हमें क्वालिटी में देना है, जो अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैंने बहुत सारी कंपनियों में विजिट किया है, अभी तक का सबसे अच्छा ब्रांड और सबसे अच्छी क्वालिटी भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री में है। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू भगवती लाइटिंग, बाकी मिलते रहेंगे जल्दी, जय भगवती, जय भगवती, जय GB LED।